हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 12.2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 12.1 को हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। अगर एक्सरसाइज 12.1 के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो चलिए अब समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन। लेकिन क्वेश्चन नंबर वन को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको एक रूल समझा देता हूं। दिस इज नॉन एज ASA रूल, क्योंकि ये रूल आपका इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाला है बार बार। इस एक्सरसाइज के अंदर तीन क्वेश्चन है, तो हम यहां पर समझ लेते हैं इसका थोड़ा बेसिक कि ASA रूल कैसे यूज होगा। लेट से आपके पास दो ट्रायंगल है, पहला वाला आपका ये है और दूसरा ये वाला है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट ट्रायंगल ABC एंड दिस इज योर सेकेंड ट्राइंगल PQR। तो जो पहला वाला A है, दिस इज योर एंगल एंड दिस S इज साइड एंड दिस सेकेंड A इज ऑल्सो एंगल। तो लेट से ये वाला एंगल फर्स्ट एंगल का एंगल B, ठीक है, ये किसके बराबर है? इस दूसरे ट्राइंगल के इस वाले एंगल के बराबर, एंगल Q के बराबर। एंड लेट से दिस BC ऑफ दिस फर्स्ट एंगल, BC इज इक्वल टू QR ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। और एंगल की बात करें तो लेट से कि आपका फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल C जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल R के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर ये रूल अप्लाई करेंगे इस तरीके से, ये एंगल हो गया आपका, ये साइड हो गया और ये एंगल हो गया, ठीक है। तो आप किसी भी मैनर में आप यहां पर इसको यूज कर सकते हैं। हो सकता है लेट से ये आपका ट्रायंगल है और ये आपका दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये आपका एंगल हो सकता है, ये साइड हो सकता है और ये एंगल हो सकता है। इन द सेम मैनर ये एंगल हो सकता है, ये साइड हो सकता है और ये आपका एंगल हो सकता है, ठीक है। तो आपकी जो लोकेशन है वो चेंज हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट आपका वही रहेगा, ठीक है। तो आपको इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है कि सर क्या एग्जैक्टली हम यहीं पे यूज करेंगे। नहीं, जो लोकेशन है वो आपकी चेंज हो सकती है, ठीक है। इट्स अ साइकिल, वो चेंज हो सकती है। तो बच्चों, जैसे ही आपका एंगल साइड एंगल इक्वल हो जाता है तो उसके बाद आप बोल सकते हो कि आपका ये जो ट्रायंगल है ABC ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के, है ना। तो बच्चों, जैसे ही आपका ये रूल यहां पर फुलफिल होता है उसके बाद आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। और इसी कंसेप्ट को हमें इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे आप इस रूल को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। BD एंड CE आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC। प्रूव दैट BD इज इक्वल टू CE। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है उसको आपको यहां पर सबसे पहले लिख लेना है। लेट से इस ट्रायंगल के अंदर जो भी आपको गिवन है आप सबसे पहले उसको नोट कर लें, क्योंकि वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं बाद में बहुत काम आती हैं। तो यहां पर आपको गिवन है AB इज इक्वल टू AC। क्यों गिवन है? क्योंकि ये आपका जो ट्रायंगल है वो आपका आइसोसेलस ट्रायंगल है, ठीक है। यहां पर साफ साफ लिखा है, देखिए, आइसोसेलस ट्रायंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC। ये तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। तो बच्चों, आपको हमेशा याद होना चाहिए ट्रायंगल के अंदर जब टू साइड्स बराबर होती हैं, टू साइड्स इक्वल होती हैं, तो उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आप यहां पर लिख दोगे एंगल ABC, ठीक है, एंगल ABC हम यहां पर इसको लिख सकते हैं, किसके बराबर होगा? एंगल ACB, है ना। तो आप यहां पर लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इस रूल को आपको हमेशा याद रखना है, ट्रायंगल के अंदर अप्लाई करना है जब भी आपको टू साइड्स इक्वल गिवन होगी। इसके बाद
आप इन दोनों एंगल्स को क्या लिख सकते हैं? देखिए आपको साथ में ये भी गिवन है, बी डी एंड सी ई आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। तो यहां पर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से ये आपका बी डी हो जाएगा, ठीक है, दिस इज योर एंगल बाइसेक्टर। सी ई को भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो सी ई आपका समवेयर यहां होगा, ठीक है, सो दिस इज योर सी ई। तो इसका सिंपल सा मतलब है, लेट्स से आपका बी डी जो है ये बाइसेक्टर है, दैट मीन्स यहां पर इस पूरे के पूरे एंगल ए बी सी को टू इक्वल एंगल्स में ये डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये एंगल आपका इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, ये भी आपका बाइसेक्टर है, इसी की हम बात कर रहे हैं। जो ईसी है ये भी आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है। तो चलिए इस बात को भी मैं यहां पर लिख देता हूं कि एंगल ए बी डी जो है वो बराबर होगा आपका डी बी सी के, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं एंगल ए सी ई जो है वो आपका बराबर होगा ई सी बी के। तो बच्चों जैसे ही आपने यहां पर इन एंगल्स को इक्वल कर दिया और लिख दिया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो आप एंगल ए बी सी को क्या लिख सकते हैं? लेट्स से मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, ओके, क्योंकि दोनों एंगल आपके बराबर हैं, तो मैं इसको हाफ ऑफ एंगल ए बी सी लिख सकता हूं। और एंगल ए सी बी को आप क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। और इसका हाफ क्या होगा, या तो आप इस एंगल को लिख लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे एंगल डी बी सी की, ठीक है, हमने इस एंगल को लिख लिया, ठीक है, या तो आप इस एंगल को लिख लें या फिर इसको लिख लें, तो हमने इसको लिख लिया है, ठीक है। इन द सेम मैनर हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, इसका हाफ क्या होगा, या तो आप इस एंगल को लिख लें या फिर इसको लिख लें, तो हम लिख लेते हैं इस एंगल को, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि इस एंगल को ही हमने क्यों लिखा है। देखिए हमें बेसिकली कहीं ना कहीं ए एस से जो रूल मैंने आपको बताया था वो यूज करना है और इसको अप्लाई करना है। तो ए एस ए रूल को अप्लाई करने के लिए आपको दो ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे। तो चलिए हम यहां पर ले लेते हैं, नाउ इन ट्रायंगल डी बी सी, ओके, डी डी बी सी ये आपका ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल ई सी बी, ओके। इन दोनों ट्रायंगल में हमने क्या करना है, उस रूल को अप्लाई करना है, ठीक है। इसी वजह से मैंने क्या किया कि आपका जो डीबीसी एंगल है वो यहां पर लिया है और ईसी भी यहां पर लिया है, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये दोनों एंगल्स आते हैं, सो दैट कि आपको ये कहीं ना कहीं ये वाला जो मैंने अभी सॉल्व किया है ये आपको यूज होगा। तो बच्चों आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहां पर इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग से ड्रॉ कर देता हूं, सो दैट कि आपको और अच्छे से ये ट्रायंगल्स दिखाई दें, ठीक है। लेट्स से ये आपका ट्रायंगल हो गया ई बी सी, ओके, और ये आपका हो जाएगा डी बी सी। तो बच्चों मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग यहां पर ड्रॉ कर दिया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें बीसी की, तो आप ध्यान से यहां पर देखें, जो बीसी है वो बेसिकली दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है ना, बेस है आपका, तो आप लिखेंगे बीसी इज इक्वल टू बीसी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कॉमन, ओके। अब आपको क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो आपका साइड जो है वो इक्वल हो चुका है। और एंगल की जब हम बात करेंगे तो एंगल कैसे करोगे, जो एंगल बी है वो एंगल सी के बराबर है, ठीक है, क्यों बराबर है, हमने यहां पर लिखा हुआ है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, इस एंगल ए सी बी को हम लिख सकते हैं एंगल सी और एंगल ए बी सी को हम लिख सकते हैं एंगल बी, दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, क्योंकि आपकी जो साइड्स हैं ये आपका कंप्लीटली क्या बनता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो साइड्स भी बराबर होंगी और एंगल भी बराबर होंगे। तो हम यहां पर लिख देते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी,
ये भी आपका गिविन था। ओके, तो आपका एक साइड बराबर हो गया और एक एंगल बराबर हो गया, ठीक है, एक साइड बराबर हो गया, एक एंगल बराबर हो गया। अब आपका ए एस ए क्या कहता है, एक एंगल होना चाहिए, एक साइड और दूसरा एंगल होना चाहिए। तो अभी हमारे पास एक एंगल हो चुका है, एक साइड हो चुका है, दूसरा एंगल आपके पास अभी बचा हुआ है। तो देखिए हमने क्या किया था, ये जो यहां पर हमने प्रूफ किया था कि एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल ईसीबी, अब इसको आप यहां पर अप्लाई करेंगे, है ना, इसीलिए हमने इसको सॉल्व किया था। तो अब यहां पर लिख देंगे एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी ये वाला, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ईसीबी के, ठीक है, ईसीबी दैट मीन्स ये वाला एंगल आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए एस ए हमने इसको प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, नाउ यू कैन से बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईसीबी। ओके, लेकिन आपको प्रूव करना था बी डी इज इक्वल टू सी ई, दैट मीन्स जो आपके बाइसेक्टर थे इन्हीं को आपको इक्वल प्रूव करना था, और दोनों आपके इन दोनों ट्रायंगल्स में आते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं बी डी आपका ये वाला साइड है, ठीक है, बी डी आपका ये वाला साइड है, और सी ई आप यहां पर देख सकते हैं सी ई आपका इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो आप यहां पर सिंपली बोल सकते हैं बी डी जो है वो सी ई के बराबर होगा विद द हेल्प ऑफ सी पी सी टी। तो ये तो अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे क्योंकि आपने दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर दिया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो जो बाकी पार्ट्स हैं दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो वो भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, है ना, बहुत ही आसान था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। इन फिगर 12.40, सो दिस इज योर फिगर नंबर 12.40, इट इज गिवन दैट आर टी इज इक्वल टू टी एस, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, प्रूव दैट ट्रायंगल आर बी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एस ए टी। तो बच्चों आपको जो भी यहां पर गिवन होता है सबसे पहले आप उसको नोट कर ले, ठीक है, लिख ले आप यहां पर। तो आपको गिवन है आर टी इज इक्वल टू टी एस। ओके, इसका सिंपल सा मतलब है, देखिए आर टी जो है वो टी एस के बराबर है और आपका टी आर एस ये कंप्लीट आपका ट्रायंगल है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं टू साइड्स इक्वल हैं तो दैट मींस एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एस होगा, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल टी एस आर, ठीक है, यही तो होगा। क्यों होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मेरी बात आई समझ में, जब ट्रायंगल के अंदर टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट में एंगल्स भी बराबर होते हैं, तो इसी बात को मैंने यहां पर लिख दिया है। इसके बाद आपको गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। तो देखिए जिस तरीके से आपको यहां पर गिवन है जैसे लिखा है इसका सिंपल सा मतलब है ये आपके एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। अगर मैं कहूं आपको आर ओ एस, ये आपका एक ट्रायंगल है जहां पर आपका एंगल 1 और एंगल 4 गिवन है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ओ पॉइंट, ठीक है, ओ पॉइंट क्यों दिया है, क्योंकि आपको ट्रायंगल दिखाने के लिए, सो दैट कि आपको समझ में आ जाए कि जो एंगल 1 है वो कहीं ना कहीं आपका एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, और एंगल 4 भी आपका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमने इस बात को यहां पर लिखा है। तो देखिए जब दो लाइन आपस में मीट करती है तो वहां पर फॉर्म होता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप देखिए ए एस और आर बी जब ये कट करती है तो यहां पर आपके दो एंगल बनते हैं एंगल 1 और एंगल 4। तो इसका सिंपल सा मतलब है एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपका एंगल 1 और एंगल 4 बराबर होता है तो आप इन दोनों को भी एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर लिखेंगे तो ये आपका बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, ठीक है। तो 2 से 2 आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो आप यहां पर लिख देंगे एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा,
है ना। तो इस बेसिस पर हमने इस बात को यहां पर लिखा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 2 होगा। जब आपका एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर है, ठीक है, लेट्स से मैं ट्रायंगल लेता हूं, आपको थोड़ा सा और डीप में समझा देता हूं, आर ओ एस इस ट्रायंगल में लेता हूं, ठीक है। एंगल 1 जो होगा, देखिए एंगल 1 कौन सा है आपका, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, और ये आपके इंटीरियर एंगल बनते हैं, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये होगा आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3, और यहां पर हमने प्रूव कर दिया है कि एंगल 2 जो है वो 3 के बराबर है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 ऑफ एंगल 2 एंगल 1, ठीक है। इन द सेम मैनर आप इस बात को भी लिख सकते हैं कि जो एंगल 4 है ये भी आपका एक्सटीरियर एंगल है, और 2 और 3 आपके इंटीरियर एंगल्स है। तो यहां पर आप लिख देंगे 2 ऑफ एंगल 3, ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहां से हमने इन बातों को लिखा है, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको इन डेप्थ डिटेल में मैंने आपको यहां पर समझा दिया कि किस तरीके से इन बातों को लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ट्रायंगल आरबीटी इज कॉन्ग्रुएंट टू एसएटी, ये आपको प्रूव करना है। जनरली ये गिवन होता है कि साइड या फिर एंगल आपको इक्वल दिखाने होते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर आपको साफ साफ लिखा है कि दोनों ट्रायंगल को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अगला हिंट आपको गिवन है आरटी इज इक्वल टू टीएस, तो इसको आपको यूज करना है। आपको गिवन है आरटी इज इक्वल टू टीएस, ट्रायंगल टीआरएस के अंदर आप देखें, ये आपका टीआर है या फिर आरटी बोल सकते हैं, ये आपका टीएस है। तो इसका सिंपल सा मतलब है आपका जो एंगल टीआरएस है वो बराबर होगा टीएसआर के, ठीक है, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होती है, है ना। ये रूल हमने बार बार पढ़ा है तो आपको जरूरत नहीं बार बार बताने की। तो आप यहां पर लिखेंगे टी आर एस जो है वो बराबर होगा टी एस आर के, है ना। तो इसका सिंपल सा मतलब है टी आर एस को अब आप क्या लिख सकते हो, टी आर एस को मैं क्या लिख सकता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दें यहां पर, इसको हम लिख सकते हैं टी आर एस में से अगर मैं माइनस कर दूं एंगल 2, क्योंकि आपका ये जो पूरा का पूरा टी आर एस है ये बनता है इस एंगल से और एंगल 2 से मिलके बनता है। तो पूरे के पूरे एंगल को अगर मैं 2 माइनस कर दूं इस एंगल में से तो आपके पास ये वाला एंगल बच जाएगा, है ना। तो इस बात को लिखने के लिए हमने क्या किया, एंगल टी आर एस माइनस एंगल 2 लिख दिया। तो आपके पास कौन सा एंगल बचेगा, आपके पास बचेगा टी आर बी, ठीक है। इस एंगल को लिखने के लिए टी आर बी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इन द सेम मैनर टी एस आर, अब टी एस आर में से आप कौन सा माइनस करें जिससे ये वाला एंगल आपका बच जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एंगल 3 को आप माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। टी एस आर में से आप एंगल 3 को माइनस कर देंगे, तो जैसे ही ये वाला माइनस होता है तो आपके पास ऑब्वियसली ये वाला एंगल बचेगा, दैट मीन्स एंगल टी एस ए। तो ये हमने क्यों किया है, क्योंकि आपको ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, आरबीटी और एसएटी। तो इन्हीं दो ट्रायंगल्स के अंदर आपको कुछ ना कुछ लेना है, एंगल इक्वल आप प्रूव कर सकते हैं या फिर साइड प्रूव कर सकते हैं। तो हमने यहां पर एंगल्स को प्रूव कर दिया, ठीक है, इसलिए हमने यहां पर इस कंसेप्ट को अप्लाई किया है इस हिंट को यूज करके, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, अब सिंपली आपको लास्ट स्टेप यूज करना है जिसमें आप नाउ इन ट्रायंगल आरबीटी, अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ही आपको लेना है, ठीक है, आरबीटी एंड ट्रायंगल एसएटी। अब थोड़ा सा ध्यान दें, लेट्स से मैं यहां पर इन दोनों ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर लेता हूं, ये आपका बनता है टी बी आर, ठीक है, और यहां पर ये बनता है आपका इस तरीके से, ये आपका टी ए और ये एस, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हो गया आपका टी ए एस या फिर एस ए टी आप बोल सकते हो, और इस ट्रायंगल को आप बोल सकते हो आर बी टी, ओके। तो एंगल जो टी है वो आपका कॉमन है, यहां पर देखिए एंगल टी जो है वो दोनों के अंदर आता है, कॉमन है, तो दैट मीन्स एंगल टी इज इक्वल टू एंगल टी, आप इसको लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, ओके। इसके बाद आपने अभी अभी प्रूफ किया है कि एंगल टी आर बी, दैट मीन्स एंगल टी ये वाला एंगल
किसके बराबर है? टी एस ए के, टी एस ए के, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल टी आर बी इस ट्रायंगल के टी एस ट्रायंगल के टी एस ए एंगल के बराबर है ना। आप बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुने, टी आर बी जो है वो आपका टी एस ए के बराबर है, ओके। ये अभी अभी हमने प्रूफ किया है, ठीक है। इसके बाद आपको यहां पर गिवन है आर टी इज इक्वल टू टी एस, ओके। तो सिंपली आप यहां पर लिख देंगे आर टी इज इक्वल टू टी एस, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दें, कौन सा रूल यहां पर अप्लाई हुआ है? हम यहां पर बात कर रहे थे ए एस ए की, क्या ये रूल अप्लाई होता है? देखिए, एक एंगल आपका ये वाला हो गया, आप यहां पर देखें, ठीक है, यहां पर एंगल आपका ये वाला, ठीक है, इसके बराबर हो गया। एक एंगल आपका ये बराबर हो गया, तो दो एंगल हो गए। साइड कौन सी हो गई? आर टी इज इक्वल टू टी एस, ठीक है। दैट मीन्स आपका एंगल साइड एंगल वाला रूल यहां पर सेटिस्फाई होता है, जस्टिफाइड हमने यहां पर कर दिया है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं बाई ए एस ए कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया या फिर रूल आप लिख सकते हैं ट्रायंगल आर बी टी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एस ए टी, ठीक है। जब भी आपको थोड़ा सा जो फिगर है वो कॉम्प्लेक्स लगे तो आप सिंपली इस तरीके से अलग फिगर को ड्रॉ कर लें, तो पिक्चर जो है आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगी कि आपको एक्चुअल में क्या प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर आप देख सकते हैं जो भी आपको गिविन था हमने यहां से शुरू किया, जो एंगल्स थे, ठीक है। इसके थ्रू हमने क्या किया, एंगल टू और एंगल थ्री को इक्वल प्रूव कर दिया। उसके बाद आर टी इज इक्वल टू टी एस आपको गिविन था, तो किसी तरीके से हमने ये जो ट्रायंगल आपको प्रूव करने थे कि बराबर हैं, इसमें हमने प्रूव कर दिया एंगल टी आर बी जो है वो एंगल टी एस ए के बराबर है, ठीक है। इसके बाद लास्ट स्टेप आपका सिंपली आता है, इस ट्रायंगल के अंदर आप ले लेंगे और ये ऑलरेडी आपको गिवन है कि एंगल जो टी है वो बराबर है और साइड भी आपको गिवन थी। तो यहां पर हमने ये जो एंगल है आपका, एक एंगल के लिए पूरी महाभारत यहां पर रची है, ठीक है। एंगल टी आर बी इज इक्वल टू टी एस ए प्रूव करने के लिए हमने ये पूरी महाभारत की है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है, कंसेप्ट को यूज करना है, ठीक है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा क्वेश्चन। चाहे कितना भी मुश्किल हो, आपको क्या करना है, उसकी प्रॉब्लम को तीन पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। आपको धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट ये था आपका, सेकेंड पार्ट ये था, फिर थर्ड पार्ट, ठीक है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़े, तो इस तरीके से आपको चीजों को सॉल्व करना है। चलिए अब बात करते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड की। टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ सच दैट बी सी इज इक्वल एंड पैरेलल टू ए डी, प्रूव दैट द लाइन्स ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट एट ओ। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है। देखिए, यहां पर दो लाइन है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, तो दो लाइन है आपकी, ये आपकी ए बी है, ठीक है, ये आपकी ए बी लाइन है और ये आपकी सी डी लाइन है। ये इंटरसेक्ट करती है किस पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है, सच दैट बी सी इज इक्वल एंड पैरेलल टू ए डी, ओके। दैट मीन्स ये जो बी सी आपकी लाइन है, बी सी ऊपर वाली, ये ए डी के बराबर है, इक्वल है और पैरेलल भी है, ओके। इसके बाद आपको प्रूव करना है लाइंस ए बी एंड सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी जो लाइन है आपकी बाइसेक्ट एट ओ। इसका सिंपल सा मतलब है ये बाइसेक्ट करती है, तो क्या बताना है आपको, आपको बताना है कि जो ए ओ है वो बराबर है आपकी बी ओ के, और हम कह सकते हैं कि जो सी ओ है वो आपकी बराबर है डी ओ के। तो ये आपको प्रूव करना है ना, बाइसेक्ट करती है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो सी ओ है ये आपकी बराबर होनी चाहिए इसके, और बी ओ आपकी बराबर होनी चाहिए ए ओ के। तो ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ओके। हमको ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, इन ट्रायंगल हम लेते हैं ए ओ डी, दो ही ट्रायंगल हैं आपके पास, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा आपका ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो आप ए ओ डी और आपका हो जाएगा बी ओ सी,
ठीक है, एंड BOC। अब इन दोनों ट्रायंगल में आपको कहीं ना कहीं छोटे छोटे कंसेप्ट आपको यूज करने हैं। लाइंस एंड एंगल वाली जो मेरी वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो उसमें मैंने काफी बार समझाया है कि जब आपकी दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, और लेट्स से मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा एंड दे विल फॉर्म ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म करेंगे। तो इसी कंसेप्ट को आपको यहां पर अप्लाई करना है, क्योंकि आपको बोला गया है जो BC है AD के इक्वल है और पैरेलल है। तो पैरेलल होने का क्या मतलब है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। लेट्स से ये आपका है एंगल 1 और ये आपका एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। क्यों होगा? क्योंकि आपका जो BC है वो पैरेलल है AD के। ठीक है, तो इसी बात को मैं यहां पर लिख देता हूं, एंगल BCO, एंगल BCO, ठीक है, दैट मीन्स BCO ये किसके बराबर होगा? एंगल 4, एंगल 4 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, एंगल 4 मैंने लिखा है और यहां पर ये बराबर होगा एंगल ADO के। ठीक है, ADO दैट मीन्स एंगल 3। तो ये आपका कैसे होगा? ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आप इसको यहां पर लिख भी सकते हो ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इसके बाद आप कह सकते हो DAO इज इक्वल टू एंगल CBO। ठीक है, तो DAO आपका कौन सा हो जाएगा? एंगल 2। ओके, ये एंगल 2 है और CBO कौन सा हो जाएगा? CBO आपका हो जाएगा एंगल 1। ठीक है, तो एंगल 4 जो है एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के बराबर है, और यही कंसेप्ट आपका यहां पर भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है कि जो BC है वो आपकी AD के बराबर है, तो आप यहां पर लिख देंगे BC इज इक्वल टू AD। तो क्वेश्चन के अंदर आपने गौर किया होगा, क्वेश्चन में ही आपका आंसर था, है ना? आपको देखो यहां पर ये जो लाइन है पैरेलल भी गिवन है, इक्वल भी गिवन है, तो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा के यहां पर ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देना है। इसके बाद आप यहां पर देखें, ये आपका एक एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया और एक आपकी साइड हो गई, तो ये आपका एंगल हो गया, ये आपकी साइड हो गई, ये आपका एंगल हो गया, है ना? ये आपका एंगल हो गया, ये आपकी साइड हो गई और ये आपका एंगल हो गया। इसका सिंपल सा मतलब है ASA रूल आपका अप्लाई होता है यहां पर। तो आप यहां पर लिखोगे बाई ASA कांग्रेस रूल ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOC। ठीक है, और जैसे ही आपकी ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाते हैं, उसके बाद आप क्या बोल सकते हो कि ये जो साइड्स हैं ये भी बराबर होंगी विद द हेल्प ऑफ CPCT, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो चलिए इस बात को हम लिख लेते हैं, देयरफॉर BO will be equal to OA, या फिर आप इसको AO लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर लिखेंगे CO जो है वो आपकी DO के बराबर होगी। ठीक है, और यही आपको यहां पर प्रूव करना था। ओके, तो आप लिख सकते हैं therefore AB and CD bisect एट ओ। ठीक है, तो आपने देखा कितना सिंपल था। तो जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, और वहीं से आपको हिंट मिल जाएगी कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करना है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। बच्चों, इसी के साथ आपकी कंप्लीट हो जाती है एक्सरसाइज 12.2, और 12.1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद हम करेंगे 12.3। ओके, तो चलिए बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।